Welcome students, this video lecture is a part of Fluorescent Public School Digital Learning Program, and today we continue our chapter 8, that is the D block elements. And in our previous lecture we talk about the introduction of this D block elements, and I recommend you that you must learn the atomic numbers from 1 to 30 from scandium to zinc. Today we discuss the important characteristics of the D block elements, and let's go. Here we go. Okay, so the general electronic configuration that we talked earlier, that what would be the general electronic configuration of D block element, that is noble gas n-1. n-1 ka matlab hota hai penultimate shell. Penultimate shell ko aap n-1 se represent karte hain. Penultimate shell outermost shell ke just pehle wala shell hota hai. जैसे मान लीजिए आपका आउटरमोस्ट शेल फोर्थ है तो पेनल्टीमेट शेल आपका थर्ड होगा. सो एन माइनस वन रिप्रेजेंट है द पेनल्टीमेट शेल, एंड एन माइनस वन डी टू द पावर 1 to 10. इसका मतलब ये है कि 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं. यू नो दैट द मैक्सिमम कैपेसिटी टू ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड डी सब शेल इज 10. So the complete electronic configuration, general electronic configuration for the D block element is noble gas n-1 d 1 to 10 and ns 0 to 2. Okay, so if we look for the examples here, then scandium is the example having atomic number 21. Okay, and the configuration of scandium is become आर्गन 18. आप जानते हैं स्कैनेडियम 21 पर आता है पर आर्गन जो है आपका 18 पर आता है. इट इज अ नोबल गैस व्हिच इज जस्ट कम्स बिफोर द स्कैनेडियम. सो वी हैव टू राइट द कॉन्फिगरेशन आर्गन 18 एंड 3d1 फॉर s2. डी में आपका एक इलेक्ट्रॉन है और 4s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है. जैसा कि मैंने बोला था n-1 जो है आपका अल्टीमेट शेल तो आपका हो गया फोर्थ और पेनल्टीमेट शेल हो गया आपका थर्ड. तो 4-1 यानी कि 3, तो ये यहाँ रिजेम्बल करता है. सो इन दिस वे यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फ्रॉम 21 to 30th एलिमेंट, दैट इज जिंक. कम टू द नेक्स्ट. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, कैन यू गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट व्हिच हैज 0 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एस सबशेल. तो पूरी पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है, डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं. डी ब्लॉक के अंदर एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसके एस शेल के अंदर 0 है. दैट्स व्हाई आई राइट 0 to 2, नॉट अ 1 to 2. 0 इसलिए लिखा है क्योंकि किसी ना किसी का तो होता ही है. एंड द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज, गेस व्हाट, पैलेडियम इज द करेक्ट आंसर. पैलेडियम हैज अ 0 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एस सबशेल. ओके, नाउ इफ वी लुक ओवर द नेक्स्ट, yes, general properties, general trends for the D block element, then atomic radii and ionic radii is come. So what about the atomic radii? The radius of an atom is called atomic radii. So atomic radii or ionic radii ke order mein jyada differences nahi hai, they are similar. Okay, so what we say about the atomic radii, it is lying in between the radii of S and P block elements. कहने का मतलब ये है कि रेडियाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों के बीच वाली होती है, इंटरमीडिएट होती है. एस वालों की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी और मिनिमम आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की रेडियाई होती है. और डी जो है यहाँ पर इंटरमीडिएटली लाई करते हैं, बीच में लाई करते हैं, इसलिए इनकी एटोमिक रेडियाई भी जो है इंटरमीडिएट होगी. ओके, तो ये जो टेबल नीचे बनाई हुई है एक जनरल ट्रेंड आपको यहाँ से मिल जाता है एटॉमिक रेडियाई का. तो जनरली द एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज अ सीरीज इनसाइड अ 3d सीरीज इज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. किसी भी सीरीज की बात करें आप तो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है, जैसा कि आपको शो हो रहा है. बात करता हूँ 3d सीरीज की. स्कैनेडियम 162 पिकोमीटर है, नैनोमीटर है. दैट ऑल आर, ऑल डाटा आर गिवन इन अ पिकोमीटर. ऑब्वियसली
So picometer है 162 picometer and the radius of the zinc is 138 picometer. कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूअसली फ्रॉम स्कैंडिनेवियम टू जिंक. इज सिमिलर फ्रॉम इटरबियम टू कैडमियम एटॉमिक रेडियाई विल आल्सो डिक्रीजेस, है ना. तो ये एक कॉमन ट्रेंड है कि जब आप लेफ्ट टू राइट यानी किसी भी सीरीज में वेदर इट इज 3D सीरीज 4D और 5D और 6D आपका जो है एटॉमिक रेडियाई वो इंक्रीज होगा, नहीं डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे एटॉमिक रेडियाई आपका जो है डिक्रीज होता है, ये मान के चलिए. क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आपके रेडियाई जो है वो कम हो जाती है. आगे मूव करते हैं, बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की. तो ये जो ग्राफ है ये हर सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे बात करता हूँ मैं यहाँ पर टिटेनियम टू भी, यहाँ पर ये आपकी जो फर्स्ट सीरीज है टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबोल्ट निकल कॉपर एंड जिंक यहाँ शो नहीं किया हुआ है. तो बेसिकली ये जो है 3D सीरीज को डिनोट करता है, ये आपका 4D सीरीज को जो रेड कलर से कर्व शो किया हुआ है, और ये आपका 5D को शो करेगा. If we look at the graph, then what we find that there are some peaks, peak value at the tungsten, molybdenum and chromium. कहने का मतलब है जब आप scandium से, when we move from scandium to zinc inside 3D series, at that time there is a sudden increase in melting point at the middle of the series. Chromium में जाकर यहाँ पर एकदम से जो है उछाल आता है melting point दर. As similarly, if we go for the 4D series, then we observe or increase in melting point is prominent in molybdenum. And if we go for the 5D series, then there is a tungsten, and tungsten show the maximum boiling point among the elements of that particular series. So, कहने का मतलब ये है, सबसे बड़ी पहली बात तो ये है, और ऐसे भी आपको पता होगा. Then the whole periodic table, the maximum melting point is shown by tungsten. Maximum जो melting point है वो tungsten show करता है. That's why the filament of the bulb is made up of tungsten. जो bulb का जो filament होता है, जो बत्ती जो होती है उसके अंदर spring जो लगी होती होती है, जो कि glow करती है, है ना? तो that is made up of tungsten. Bulb के जो अंदर जो आपका जो है spring लगा होता है, that is made up of tungsten because of its high melting point. So basically this graph is of 3D, 4D and 5D series and their variation with the melting and boiling point. So you have to observe it. So what we conclude from this graph, that if you move from left to right inside a particular series, then melting point is sudden increase at the middle. And what about the logic of this sudden increase in melting point? So the answer goes to degree of atomization या enthalpy of atomization. तो enthalpy of atomization जो है वो इन तीनों elements की जो कि middle series में lie करते हैं एकदम से बढ़ जाती है ना. If someone asks that why chromium show maximum melting point, so the answer is because their heat of atomization is also maximum. That's why it show maximum melting point. Okay, so first increase up to middle, then fall suddenly. पहले तो increase होती है melting point कहाँ तक, middle तक, और फिर क्या होती है, fall हो जाएगी. Next, manganese and ये है technetium show the abnormal low points. Technetium के बारे में एक चीज़ और बता दूँ, technetium is the element which is first artificial radioactive material element that first synthesized in lab. And manganese दोनों का जो है melting point काफ़ी low होता है. D की बात करूँ, D block elements में अगर ऐसे देखा जाए तो फिर gallium है, cesium है, तो ये अदर example है S और P block के. लेकिन फिलहाल यहाँ बात करें D block elements की, तो magnesium and technetium has an abnormal low melting point, काफ़ी ज़्यादा कम होता है इन दोनों का melting points. Now we go for the important trend of the D block element, that is all are about oxidation state. So oxidation state के बारे में definitions हम पढ़ चुके हैं पहले भी.
तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा कि आप देख रहे हैं टेबल में, मैग्नीज के केस में जो है 6 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है फ्रॉम +2 to +7. ओके, सो द एलिमेंट्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरियस और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज दे हैव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर आपसे कोई पूछे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, तो रीजन क्या देंगे आप? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं. ओके, और ये जो है अप टू +7 तक पहुंच जाती है जैसा कि मैग्नीज के अंदर शो हो रहा है. और बिल्कुल स्कैंडियम एंड जिंक शो ओनली वन काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. स्कैंडियम फॉर द स्कैंडियम दैट इज +3 एंड फॉर द जिंक दैट इज +2. ओके, सो दिस इज ऑल आर अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाउ वी यूज दिस ऑक्सीडेशन स्टेट टू डिटरमाइन द कंपाउंड्स एसिडिटी. ये कंपाउंड कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा वो बेसिक होगा. एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट को पता कर लें आप, तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि इस एलिमेंट का जो ऑक्साइड है, एलिमेंटल ऑक्साइड जो है, उनकी एसिडिक करेक्टर कैसे हैं और बेसिक करेक्टर कैसे हैं. इस पर बेस्ड मैंने एक न्यूमेरिकल लास्ट में एड किया है, ओपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन एड किया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत सी बार देखा गया है उसे, तो लास्ट में डिस्कस करेंगे. सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट लीड टू द डिक्रीज इन बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड. जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, बेसिक करेक्टर आपके कम हो जाएंगे, यानी कि एसिडिक करेक्टर आपके बढ़ जाएंगे एंड वाइस वर्सा. तो आप दोनों तरीके से आप इसे देख सकते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट का बनना एसिडिक करेक्टर को बढ़ाना होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना आपका एसिडिक करेक्टर को कम करता है मेटेलिक ऑक्साइड्स का. नाउ वी हैव अ लिटिल एक्सरसाइज हियर एंड आई थिंक यू मस्ट एबल टू गिव द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस दैट एनालिस्ट हियर. The first question is which of the following shows the highest oxidation state of +7. So the obviously if you see the table then you obviously give the answer, that is manganese Mn which show the +7 predominantly. Okay, now the question number second, the number of unpaired electron in Fe2+ are Fe2+ ke andar number of unpaired electron kitne honge, think about it. Iron jo hai aapko kitna hota hai atomic number mein? 26 होता है. कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप देखें उससे, फिर आप उसको फिल करके भी देखें और मुझे फटाफट आंसर दे दीजिए इसका कितना आने वाला है. सोचिए, मैं भी सोचता हूँ. सो बेसिकली फोर इज द करेक्ट आंसर. फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी देयर इन Fe2+. एंड व्हाट अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज 0. तो ये जो कंसेप्ट है ये क्लास 11th रेडॉक्स रिएक्शन से उठाया गया है. मैंने ये सारे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ 12 के 12 क्वेश्चन लिखे हैं. जब 5 क्वेश्चन इससे फर्स्ट वाली स्लाइड में पूछे थे मैंने, तो 12, 5, 17 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे. और मैंने बोला इस पूरे चैप्टर में 28 क्वेश्चन है और 28 से एक क्वेश्चन भी बाढ़ से नहीं आएगा. तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज 0. तो ये ऑब्वियसली क्लास 11th का क्वेश्चन है. ऑक्सीडेशन स्टेट रेडॉक्स रिएक्शन के मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर. तो आपका जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं और जहाँ कार्बोनिल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस जो भी आपके होते हैं, वहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0 होती है. ये आपको मैंने रूल लिखवाया होगा. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ ईयर, फोर्थ के बारे में बात करें आप. यस, फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस आयन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. इनमें से कौन से ऐसे आयन से जहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? पेयर्ड है. तो आपको हर एक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा और ये पता करना होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जिंक इज नॉट कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सप्लेन. जिंक को आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन अदर ऑक्सीडेशन स्टेट. यानी कि जिंक ना तो ग्राउंड स्टेट पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है और ना कोई अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. दैट मींस जिंक इज कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो आप इसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं बोलेंगे. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, टिटेनियम टाइप टेट्रा पॉजिटिव आयन इज कलरलेस, गिव रीजन. ऑब्वियसली
अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई चीज कलर्ड है, कोई आयन आपका कलर्ड है, तो उसके दो ही रीजन हो सकते हैं, पहला ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स और सेकंड वन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो ट्रांजिशन इन बिटवीन वेरियस या फिर बोले डीडी ट्रांजिशन दैट इन्वॉल्व इन डीडी ट्रांजिशन एंड गिव्स कलर। तो सिंपल सिंपल सा आंसर है, अगर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका जो आयन है करेस्पॉन्डिंग अगर वो कलर कलर शो कर रहा है तो उसका रीजन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड विच इन्वॉल्व इन डीडी ट्रांजिशन। अभी डीडी ट्रांजिशन क्या होता है मैं अगला कैरेक्टरिस्टिक जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कलर प्रॉपर्टीज तो वहां बात करूंगा मैं आपसे। तो अभी फिलहाल आपको ये आंसर देना है, अगर ये कलरलेस है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या भी बोले ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज आंसर। सो टाइटेनियम टेट्रा पॉजिटिव आयन इज कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, दैट क्वेश्चन बेसिकली बिलोंग्स टू क्लास 11 चैप्टर 3 एलिमेंटल क्लासिफिकेशन इन द पीरियोडिक टेबल। सो बेसिकली ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट जो है वो होते हैं जो यूरेनियम 92 के बाद आते हैं, यानी कि ऑल द एलिमेंट्स व्हिच कम्स आफ्टर यूरेनियम 92 आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो आप जो है पर्टिकुलर Mn को अंडरलाइन करिए और इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लीजिए, फिर ये क्लास 11 का क्वेश्चन रह जाएगा। तो MnO के अंदर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की जो है 2 आती है प्लस 2, MnO2 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 आ रही है और Mn2O3 के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 आ रही है। नाउ यू आर एबल टू अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑब्वियसली यू फाइंड द एसिडिटी है। सो एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा उसका होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर किसका निकल के आ रहा है बता दीजिए फटाफट, MnO2 का निकल के आ रहा है। तो MnO2 इज द मैक्सिमम एसिडिक इन नेचर। एंड नाउ वी गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 9, राइट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब वो होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं बिकॉज दे आर लाइंग और सिचुएटेड इनसाइड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन ग्रुप नंबर होगा आपका थर्ड बी, उसके अंदर ये लाई करते हैं। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल एंड दे आर मोस्टली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की तो ये आपको बुक में मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो मैं इसको बोल देता हूँ, आप फटाफट नोट करिए, नोबल गैस लार्ज ब्रैकेट एन माइनस टू एफ 1 टू 14 एन माइनस 1 डी 1 टू 10 नॉट अ 1 टू 10 0 और 1 ओके एंड NS2 दैट इज द कॉन्फिगरेशन। आई रिपीट अगेन, नोबल गैस एन माइनस टू एफ 1 टू 14 n minus 1 d 0 or 1 ns2 तो ये कॉन्फिगरेशन निकल के आता है, तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्लास क्वेश्चन नंबर यहां पर आ जाता है 10, ऑल द कंपाउंड ऑफ स्क्रेडियम आर कलरलेस, गिव द रीजन, बिकॉज़ द रीजन इज स्क्रेडियम डू नॉट पजेस एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड एज वेल एज नॉट अ ग्राउंड इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कहने का मतलब ये है स्क्रेडियम एक ही टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वी सी द टेबल। स्क्रेडियम के केस में जो है प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ओनली, और प्लस 3 जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ये शो कर रहा है तो एट दैट टाइम इट डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स आयन आर कलरलेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाई। आई ऑलरेडी प्रोवाइड दिस आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, that because they have number of unpaired electron they show variable oxidation states. Question number 12 की बात कर रहे हैं, what are alloy? Alloy जो है आपके क्या होते हैं, homogeneous mixture होते हैं दो या दो से ज्यादा metals के। So alloy are the homogeneous mixture of two or more metals and give an example of which। तो आप जो है इसका example दे सकते हैं, thermal silver दे सकते हैं आप, इसके अलावा ब्रास दे सकते हैं, ब्रॉन्ज दे सकते हैं, गन मेटल दे सकते हैं, टिन मेटल और गन मेटल के बाद बेल मेटल दे सकते हैं, सो दी स्टील इज ऑल्सो देयर। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द अलॉय।
एंड यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। अच्छा लास्ट ईयर एग्जाम में क्या आया हुआ था, ऐसा आया हुआ था कि व्हाट इज जर्मन सिल्वर एंड राइट द कंपोजिशन ऑफ द जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन क्या होगा वो आपको लर्न करना था, वो भी आ सकता है। आपकी बुक में लास्ट में एक टेबल बनी हुई है जहाँ अलॉय दिए हुए हैं खूब सारे, डी ब्लॉक के अंदर ही देखने को मिल सकती है और उनका कंपोजिशन भी दिया हुआ होगा, तो आप उसे देख सकते हैं वहाँ से। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर एंड टिल दैट हैव अ नाइस डे।